दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडेक्स एनालिसिस के अगले वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज वीडियो में एनालिसिस करेंगे अगले मंथ के लिए, यानी कि 1 अक्टूबर से जो है, मतलब खुलेगा तो मार्केट 30 तारीख को, बट हमारा जो विज़न है अगले महीने के लिए है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सेप्टेम्बर हो गया अच्छा खासा रैली के साथ ख़त्म, ठीक है, और रैली के अंत तक हमें एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। ये ट्रेंड लाइन जैसे जैसे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जा करके मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस जहाँ पर बन जाता है, मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए वहाँ ज़रूर पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस कटे हैं। ठीक है, आज अच्छा एक दूसरा चीज़, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। जिस दिन मैं एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, वहाँ पर मैं छोटा सा मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस डाल देता हूँ कि आज का विज़न क्या है, अगर ये सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे ट्रेड। तो वहाँ पर एकदम क्लियर कट डायरेक्शन रहता है हमारा। ठीक है, और वो डायरेक्शन आज तक कभी भी गलत नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी है बहुत अच्छा है, 90+ एक्यूरेसी है, बहुत रेयर। और जब जिस दिन गलत होता है ना, उस दिन हम लोग फिर ट्रेड ही नहीं लेते, मतलब हमारा एक डिसीजन होता है कि आज अगर ऐसा सेटअप बना तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। तो ट्रेड नहीं करने वाला हुआ है, ना कि गलत हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैं वहाँ पर कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग चार्ट देख लेते हैं, आज के एनालिसिस देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ठीक है, आज के एनालिसिस मेरा ये था कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, उसका फिर नीचे आएगा और 54,211 के आसपास से सपोर्ट लेगा। ठीक है, लुक एट दिस चार्ट, हुआ है ये क्या सपोर्ट? यस, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, कौन सा, 53,400 का कॉल का ट्रेड लिया था। ठीक है, मॉर्निंग में, तो यहाँ पर है ये चार्ट। ठीक है, लुक यहाँ पर ये 260 के आसपास ने लो लगाया था, 255 का लो लगाया। ठीक है, यहाँ से लेकर 280 तक का ट्रेड किया था मैंने, यहाँ पर 277 के आसपास एग्जिट मारा था। ठीक है, और एग्जिट मारने के बाद मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि कुछ अगर ये लास्ट डे का हाई 314-315 के आसपास ट्रेड करते करते पहुँचता है तो मैं यहाँ पर एक और एंट्री बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि उस केस में बैंक निफ्टी अपना जो है ये लास्ट दिन का डे हाई तोड़ रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलता है बैंक निफ्टी को 54,533 का ही मिलता है। ठीक है, तो खैर ये तो हुआ नहीं, ये वाला छोटा सा सेटअप हुआ था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था छोटा सा, उसके बाद मैं एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो बता आप लोगों को ट्रेंड लाइन बताया था वो ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँच गया था, तो यहाँ पर एक और छोटा सा बाइंग मैंने इनिशिएट किया था, बट वहाँ पर जो स्टॉप लॉस था हमारा करीब 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो वो हिट हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन लगता है कि टूटने वाला, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोजिंग मिल गया था यहाँ 15 मिनट के कैंडल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पुट साइड का एक ट्रेड प्लान किया था, कौन सा पुट था हमारा, वो 54,000 का पुट था। ठीक है, तो 54,000 का पुट हमने यहाँ पर कब ट्रेड लिया था इसका, ये लिया था 12:30 पर। ठीक है, 12:30 पर यहाँ पर इस जोन में ट्रेड लिया था। ठीक है, और ये हम लोगों को करीब मतलब ये ट्रेड हमने लिया था शायद 11:30 के आसपास, 11:35 के आसपास ट्रेड लिया था, तो ये उसी जोन में घूम रहा था, उसका सडन ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पर 210 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, 211-210 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद ये उसी जोन में जो है 330 तक गया था, हालांकि इतना बड़ा ट्रेड तो खैर कोई भी होल्ड नहीं कर सकता जल्दी। ठीक है, जिसके पास कम क्वांटिटी है वही ट्राई कर सकता है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहे थे कि हम लोग का स्टॉप लॉस जो था करीब 12-15 पॉइंट का था और टारगेट काफ़ी बड़ा था, मतलब ठीक है करीब 40-50 पॉइंट का टारगेट था, तो ये खैर अलग बात है यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो सेटअप था मेरा तीसरा जो मैंने ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था वो ये ट्रेंड लाइन पे था, इंट्राडे में ही छोटा सा ट्रेड लिया था मार्केट क्लोज होते वक्त में। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट दिखा रहा है, बट यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं मारा था, मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा था 270 के आसपास। ठीक है, ये उस फ्लो में 310 तक भी गया था, खैर ये तो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर अब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस हम लोग हटा देते हैं अब इसको। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है ये भी हटा देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात कौन सा है, ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देते हैं, अब ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया, ट्रेंड लाइन का जितना काम था वो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो चीज़ों को, ये जो मैंने बताया था ना आप लोगों को लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा के पास पहुंच रहा है। ठीक है, अगला जो मेजर स्टॉप लॉस जो है ना अब इसी जगह पे है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े पोजिशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस यहाँ पर है। ठीक है, मतलब जो ये रैली में पार्टिसिपेट किया था ना, ये वाला रैली में, इन सब का स्टॉप लॉस जो है इस जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट 15 मिनट का 2-3 कैंडल यहाँ पर बना लेता है, यानी आधे घंटे 45 मिनट यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कर लेता है, क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है इस चार्ट में, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बड़ा विक बना रहा है, मतलब कि पूरा ट्राई किया जा रहा है कि यहाँ से मार्केट को बाउंस करा दिया जाए। ठीक है,
मार्केट बाउंस किया तो ठीक है, 977 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, अदरवाइज मार्केट बाउंस नहीं करता, इस जोन को नहीं निकाल पाता ऊपर के साइड में, वापस से रिजेक्शन बिल्कुल नीचे आता है, तो याद रखिएगा 711 के नीचे अच्छा खासा वन वे करेक्शन देखने को मिलेगा आपको, जो उसको लेके जा सकता है वापस 53,500 के आसपास, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया कुछ, बट हाँ 53,500 के आसपास भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा मार्केट आ, मतलब जो कैंडल बनेगा ना वन वे यहाँ तक का बन सकता है, ठीक है। तो ये है अगला ट्रेड का सेटअप, मतलब ये वाला सेटअप बनेगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग ट्रेड के लिए वेट करेंगे, ठीक है। ऊपर के साइड में प्लान कब करेंगे, ऊपर के साइड में अब ध्यान रखना कि 211 अब वापस से रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बिताने के बाद इसने तोड़ा ये लेवल, ठीक है। तो ऊपर के साइड में अभी ट्रेड मत ही कीजिए, डाउन साइड का सेटअप बनता है तो थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम लोगों को वेट करना चाहिए कि कम से कम 211 को निकाल दे तो ही यहाँ पर ऊपर के साइड में ट्रेड बनेगा, क्योंकि इस जोन में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो इस जोन में ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, प्लान करेंगे 211 के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पर 711 टूटता तो नीचे का तो ट्रेड है ही अपने पास, ठीक है। नीचे का ट्रेड टूटता है तो हम लोग को ऑप्शन में करीब 100 से 150 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है, तो मंडे को अलर्ट रहिएगा और बच करके काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, आप लोग एनालिसिस पहले बता दिया ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा मार्केट में जो है गैप अप गैप डाउन का सिलसिला चलता है क्रूडो ऑयल और ग्लोबल फैक्टर्स के वजह से, ठीक है। और मेटल सेक्टर में भी कुछ न्यूज़ वगैरह का इशू रहता है इस मंथ में। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इस सीजन में आपको अर्निंग्स रिपोर्ट भी आएंगे अलग अलग स्टॉक्स के, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, कई स्टॉक्स में गैप अप गैप डाउन का भी सिलसिला चलेगा। तो पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का ही रखिए अभी फिलहाल, ठीक है। हम लोगों ने भी अपना पर्सनली जो अपना सपोर्ट ग्रुप है ब्रह्मास ट्रेडिंग का, वहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली 57 ट्रेड्स को क्लोज करवा दिया है और 32 या 33 ट्रेड्स अभी भी रनिंग है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम जो ट्रेड्स थे हमने उसको क्लोज करवा दिया है। रीज़न यही है कि अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, FIIs, DIIs का भी इंटरेस्ट मार्केट में कुछ ज़्यादा हो जाता है, गैप अप गैप डाउन को लेकर, अर्निंग सीजन को लेकर, फेस्टिव सीजन भी आ रहा है नवंबर में, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन इम्पैक्ट अक्टूबर मंथ। सो बी कॉशियस एंड ट्रेड वाइजली, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर बड़े पोजिशंस में ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, हो सके तो अक्टूबर मंथ में अवॉइड ही कीजिए अगर आपके पास कम कैपिटल है तो, ठीक है। ज़्यादा कैपिटल है तो भी आप वाइजली ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड कीजिएगा। और ये मैं आजकल और मंडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ फुल अक्टूबर मंथ के लिए, ठीक है। ट्रेड करना है नवंबर से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, अक्टूबर में थोड़ा कॉशियस हो, मैं तो मार्केट से आउट हो रहा हूँ अक्टूबर में, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बहुत होगा तो इक्विटी में मैं देखूंगा, कुछ अच्छे स्टॉक्स में लाइक अमाराजा बैटरी वगैरह में मैं देख रहा हूँ ट्रेड फिलहाल अभी, तो उसमें हो गया ग्रेविटा हो गया, है ना, इस तरह के स्टॉक्स जो अभी गिरते मार्केट में भी टिकने के काबिल हैं उन स्टॉक्स में ही मैं अभी पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज़ मेरा किसी भी बात के हिसाब से आप बाइंग सेलिंग ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कॉन्टैक्ट कर लें, उसके बाद ही बाइंग सेलिंग करें। बाकी फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ₹1 भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये फ्री सर्विस है और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पोस्ट करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी मिलेगी मार्केट खुलने से पहले। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, टिल देन ख्याल रखिएगा, गुड बाय।